जबलपुर के करमेटा बजरंग नगर में 3 दिनों से लापता अजय विश्वकर्मा का शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, पुलिस युवक को 2 दिन से लगातार तलाश कर रही थी, जिसके बाद युवक का शव फांसी से लटका हुआ पाया। वहीं इस घटना के विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने थाने पहुंचकर घेराव करने की बात भी कही। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर आरोपी की तलाश कर रही है। मेरा बालक बुधवार से गायब है घर से, सुबह 7 बजे का निकला, शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कराई 6 बजे करीब। इसके बाद में आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फोन लगाया, मैं कर रहा हूँ, यही कहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 34 वर्ष जिसकी उम्र है, 21 तारीख को 7 बजे घर से निकला है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला है, फोन बंद है। आज दोपहर में एक फोन आया था, तो किसी महिला ने फोन उठाया था कि अपने बेटे को ले जाइए घर के, तो इसलिए रिपोर्ट करने आए थे। तो जिस पर से गुम इंसान रजिस्टर किया गया था 99/22, और इस दौरान उनके द्वारा जो भी परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया, उस आधार पे अपने तलाश की, उसका CDR और बाकी लोकेशन के आधार पे तलाश की जा रही थी।